Only two steps more, Khushi. Only two steps more. Come on. खुशी मैं कब से ढूंढ रही हूं तुझे, तू यहां पर है। क्या देख रही हो ऊपर? वो मम्मी वहां। बोलो नहीं सुनो, आरती का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, चल ना। चले तुम्हारे बिना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ खुशी, तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा। वाह वाह देवू, क्या कैच पकड़ा है। अगर तुम क्रिकेट में फील्डर होते ना तो अपना वर्ल्ड कप पक्का था। नहीं बारी, नहीं बारी कैच है। सॉरी सॉरी, मैं गिर पड़ा। संतरे खट्टे हैं। ये दोनों बातें अलग है। अच्छा ये तो गिर पड़ा, ये बीच के लिए तुम क्यों कूद गए? हम बीज बोते हैं तभी तो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनसे हमें फल फूल और अनाज मिलता है। और आज तो अनाज घर लाने का पवित्र दिन है। ऐसे दिन पर मैं इस बीज को जमीन पर कैसे गिरने दे सकता था? क्या बात है, क्या बात है! जय माता दी, जय माता दी। विवान खुशी कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ। तो जाके देखना कहाँ चले गई वो। फिकर नॉट माँ, दीदी यही कहीं गई होगी, अभी ढूंढ के लेके आता हूँ। ओके Only few steps more, खुशी, फिर तुम पहुंचोगे शिंकाई। और जब तक इन्हें ये पता चलेगा कि खुशी गायब है, हमारा काम पूरा हो चुका होगा। बालवीर, मुझे ऐसा लगा था जैसे शिंकाई वाले इस अखंड पूजा में कोई ना कोई बाधा जरूर डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं ध्वनि पति, हमें अभी भी सावधान रहना होगा और इस मिट्टी से भरे पात्र की सुरक्षा करनी होगी। खुशी दीदी कहाँ हो आप? खुशी दीदी, अरे यार अगर पूरे भारत नगर में ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर ढूंढूंगा दीदी को तो टाइम भी वेस्ट होगा और गला भी सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं मैजिक से दीदी को ढूंढ कर उनके मन में ये बात डाल देता हूँ कि वो पंडाल वापस आ जाए। यस, काम सुपर फास्ट हो जाएगा। खुशी दीदी, आप जहां कहे भी हैं, जल्द से जल्द पंडाल में वापस आ जाइए। अरे मैं यहां क्या कर रही हूँ? मुझे तो पंडाल में होना चाहिए था। भगवान बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ये क्या खुशी पर हुआ? मेरा मैजिकल स्पेल कैसे ब्रेक हुआ? क्या किसी और ने भी खुशी पर मैजिकल स्पेल किया? अगर ऐसा है तो मैं जाके पता करती हूँ ये मैजिकल स्पेल आया कहाँ से। यस, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। कैसे काम ना करता, विवान का जो आइडिया था। अब खुशी दीदी आपने आप पंडाल में वापस आ जाएंगे। आई नो, ये बालवीर या परियों का ही जादू होगा। गो लेडी बीबा, गो एंड स्टॉप देम। अब जाकर उनका ध्यान खुशी पर से हटाओ, तब तक मैं खुशी पर फिर से अपना मैजिकल स्पेल करता हूँ। ठीक है, पर अगर वो एक से ज्यादा हुए तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा, और ऐसे में ये ब्रेसलेट बनेगा मेरा कवच। तुम जाओ और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे ये बटन दबाकर संदेश भेज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। चलो अब मैं भी पंडाल वापस जाता हूँ। रुको, ओ तो आप यहाँ भी हैं? हाँ, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हो अच्छा अच्छा, यानी कि मैकेनिक। नहीं वो अभी अभी आपने कहा ना कि बिगड़ी हुई चीजें बनाना काम है आपका। सब कुछ बनाती हूँ, बस बातें नहीं बनाती। हे
इस नवरात्रि तुम दोनों बालवीर का अंत करने का लक्ष्य है हमारा और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। हेलो मैकेनिक आंटी, विवान कोई जनरल स्टोर की चॉकलेट नहीं है जो खरीद के खा लिया। और अब देखो विवान कैसे बिगड़े हुए को सुधारता है। तुम्हारी जादुई शक्तियां मुझे छू भी नहीं सकती बालवीर। ये ब्रेसलेट प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। तो मैं फर्स्ट इनके हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल देता हूँ। यू आर स्मार्ट विवान। देवू, मैंने विवान को भेजा था खुशी को पंडाल में लाने के लिए। अब दोनों ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जाके देखो ना प्लीज। ओह ठीक है मैम, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, चिंता मत कीजिए। विवान कहाँ हो तुम? भैया अब मैं स्लाइड बांधने जा रहा हूँ। स्लाइड मार रहे विवान? ये क्या स्लाइड मारने का समय है? यू आर राइट भैया, इसलिए अब कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती? अरे अभी स्लाइड कर रहे थे, अभी कुश्ती कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अरे भैया झूलने वाला स्लाइड नहीं, धुलाई वाला। विवान क्या हुआ? देखो मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं भैया वो तो मैं बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, वो क्या है ना उससे फाइट में एनर्जी आ जाती है। और अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए ड्रम बजा रहा हूँ। फाइट? किसे फाइट कर रहे हो तुम? देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस मामले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं भैया बोला ना नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें संगीत देने का, तुम्हारे बिगड़े सुर तो अब बिरबा बनाएगी। जवान क्या नहीं, आ रहा हूँ मैं। अरे भैया नहीं बोला ना मैंने, छोटे बालवीर छोटा। हाँ सब लोग मुझे छोटा ही समझते हैं। आज तो मैं आपको और देवू भैया दोनों को दिखा दूंगा कि मैं छोटा जरूर हूँ पर खोटा नहीं हूँ। दोनों बालवीर से एक साथ लड़ना मुश्किल है मेरे लिए। रे मुझे इशारा करो कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है, जल्दी। क्या बिरबाजी, इतनी बड़ी होकर छोटे बच्चों से लड़ रही? फिर छोटा? लड़ना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़िए। एक मिनट विशाल भैया, आप जो मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो। हाँ तो तुम हो छोटे बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
एक मिनट विशाल भैया, जब आपने मुझे बालवीर बनाया तब तो एनरोलमेंट फॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हाइट 5 feet 10 inch होनी चाहिए, अब चेस्ट 56 inch का होना चाहिए, नहीं ना? पर बालवीर बनने के लिए कोई एनरोलमेंट फॉर्म नहीं होता। राइट, लेकिन मैं तो इनफॉर्म बैट्समैन हूँ ना, सो करनी दीजिए मुझे बैटिंग, मारने दीजिए सिक्सर, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। रुको विश्राम हो, लेकिन छोटे हो, देखा नहीं अभी गिरने वाले थे, मुझे ही तुम्हें आकर बचाना पड़ा है ना? भैया वो मैं गिर नहीं रहा था, वो तो मैं बस ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। छोटे बच्चे नीचे गिरकर स्ट्रेच नहीं करते, जिद करते हैं। भैया आपने मुझे फिर छोटा बच्चा बोला, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, याद है ना कितने बड़ी बड़ी फाइट लड़ी मैंने तिमनासा, याद है? विवान तिमनासा काल लोक से थी और ये नए विलन से, हमें नए विलन्स की शक्तियों के बारे में नहीं पता, इसलिए। भैया जब मैं बॉलिंग फेस करूंगा तभी तो मुझे शॉट मारने की प्रैक्टिस होगी ना, राइट? सो मुझे मेरा गेम खेलने दीजिए। वही तो कह रहा हूँ विवान, ये गेम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। राइट, खतरा तो है बट मुझे इनसे नहीं, इन्हें मुझसे, और अब आप देखिए कि कैसे मैं इन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाता हूं। और आप यहाँ खड़े होकर मेरी लिए तालियां बजाइए, सीटी बजाइए, दैट्स इट। मैं इन्हें उलझाने आई थी और ये तो खुद ही आपस में उलझ गए। अच्छा है, रे को भी समय मिल जाएगा अपना काम पूरा करने के लिए। आ गया हमारा पहला शिकार। गया लेकिन इसके अंदर की अच्छाई को कैसे निकालेंगे आप बाहर? मेरे अंदर की अच्छाई का एक कण भी नहीं निकाल पाए थे आप लोग। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कॉज तुम्हारे अंदर सब इविल ही इविल है ब्रिगेंस, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन पर काम करता है जिनमें अच्छाई होती है। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बुराई? इसे तुम अपने साइलेंट होने का इशारा समझ लो। Because now we will see कि मैं खुशी की बॉडी में से अच्छाई को कैसे निकालता हूं। देखा, मैंने कहा था ना अगर दुश्मन के सामने अपनी तरकीबें आजमाओगे तो दुश्मन उसकी नकल ही करेगा ना। भैया मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इनकी तरह छुपन छुपाई खेलूंगा। विवान मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मेरी मदद लेने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे का तो पता नहीं लेकिन आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब जरूर हो रहा हूँ। क्या हम एक मिनट के लिए सिर्फ फिंगर जोन या लिप्स रख सकते हैं? और देखना एंड में जीत मेरी होगी। वन मैं हूं। अब मैं आऊं? भैया इनका ऑन योर नीज तो हो ही गया, अब बस गेट सेट गो करना बाकी। ये है गुडनेस का रिंग। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा।
फिर खुशी के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं बचेगी। आ, आ,